सो फाइनली गाइज हमारा गेम एकदम न्यू फिटेड आ चुका है भाई लोग, देख सकते हो 7 अगस्त से लेकर 5 सितंबर, मतलब आप लोग समझ लिए अप्रॉक्स आप लोगों के पास 1 मंथ का टाइम है इस फेडेविल को निकालने का। एंड इस फेडेविल में आप लोग ईवो की एक्समेट गन की देखने को मिली है भाई लोग। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोग को ये फेडेविल 1 स्पिन में कैसे मिल सकता है, उसी के साथ अपन बात करेंगे कि आप लोग को कम से कम डायमंड्स में कैसे ये ईवो एक्समेट निकाल सकते हो। सो भाई लोग जानने के लिए वीडियो में तक बने रहना, बट आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पहला गाना आएगा उस ऑल पर जरूर सेट करना, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल पर फ्री फायर से अपडेट्स की वीडियो जरूर आती रहती है। सो सब्सक्राइब यहाँ से कर लेना, अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाक से एक लाइक कर दो भाई लोग। ऑलराइट, सो गाइस चलिए फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो भाई लोग गन स्किन के लुक वाइज बात की जाए तो लुक वाइज बहुत ही हार्ड है, एंड अगर एट्रीब्यूट्स की बात की जाए तो डबल डैमेज, सिंगल रेट ऑफ फायर, माइनस रिलोड स्पीड है जो कि ठीक ठाक एट्रीब्यूट्स, अगर इसकी जगह डबल रेट ऑफ फायर होता तो और भी धांसू होता। बट अपने पास इससे भी अच्छी स्किन है जो कि डबल रेट ऑफ फायर है, जो कि एकदम ही फ्री में मिली थी अभी से 1.5 साल पहले होली इवेंट में। एंड आप लोगों के पास ये वाली लिवली बेस्ट है कि नहीं मतलब कमेंट करके बताओ आप लोग को, अगर आप लोग पास डायमंड्स नहीं है तो लिवली बेस्ट एकदम ही ओपी है भाई लोग। गाइस अब बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते अपने ट्रिक की तरफ, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पेट फूड है मतलब अपना पेट होगा कि डीएफएल को, बाउंटी स्कैनर है मतलब बाउंटी स्कैनर डिफॉल्ट होगा, दोनों एम्पर बने स्कार की गन स्किन डिफॉल्ट होगी, लूट बॉक्स डिफॉल्ट होगा, एंड अपना पैरासूट भी डिफॉल्ट होगा। तो पेट सबसे पहले पेट वाले सेक्शन में जाते हैं, एंड आप लोग को यहाँ पे सिंपली डीएफएल को इक्विप कर लेना है, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर जाना है लोडॉट्स में, लोडॉट्स में जाने के बाद आप लोग को सिंपली बाउंटी स्कैनर हटा देना है, एंड उसके बाद आप लोग को M41 की गन स्किन डिफॉल्ट करनी है, उसके साथ स्कार की गन स्किन डिफॉल्ट करनी है, उसके बाद आप लोग को जाना है कलेक्शन में, कलेक्शन में जाने के बाद आप लोग को लूट बॉक्स एंड उसके साथ पैरासूट को डिफॉल्ट कर लेना है। तो लूट बॉक्स में भी डिफॉल्ट कर लेता है, पैरासूट भी डिफॉल्ट कर लेता है, मेरा पहले से डिफॉल्ट है। एंड उसके बाद आप लोग को देख लेना है कि आप लोगों ने सब कुछ डिफॉल्ट किया है या फिर नहीं, एंड उसके बाद आप लोग को सिंपली आपकी आईडी कर देनी है लॉग आउट, सेटिंग में जाकर आप लोग को सिंपली आपकी आईडी कर देनी है लॉग आउट, एंड लॉग आउट करने के बाद आप लोग को तुरंत ही आपकी आईडी लॉग इन करनी है। एंड फटाफट मैं भी लॉग इन कर लेता हूँ, एंड सो गाइस मैं फाइनली लॉग इन कर चुका हूँ। एंड आप जैसे ही आप लोग लॉग इन करोगे तो आपके सामने वो फेडरविल का जैसे ही बैनर आएगा आप लोग को सिंपली बैनर से उस फेडरविल में एंटर हो जाना है, पहले अच्छे से लोड होने देना आप लोग को, एंड जब अच्छे से लोड हो जाएगा तो आप लोग सिंपली एंटर कर जाना है। एंड उसके बाद आप लोग को अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, आप लोगों को यहाँ पे ये क्या बोलते हैं बाउंटी स्कैनर है ये हटाना है, एंड उसके साथ आप लोग को ये फ्रेगमेंट है ये भी हटा देना है, फ्रेगमेंट मैजिक क्यूब का जो फ्रेगमेंट है ये दोनों हटा के कन्फर्म पर कर देना है। एंड ये क्या हो गया मेरे साथ, ये थोड़ा ग्लिच हो गया, एक मिनट गाइस, एंड एक मिनट ये पता नहीं क्या हो रहा है, एक मिनट गाइस, हाँ मैं पंडल में जाता हूँ। हाँ उसके बाद आप लोग को फ्री स्पिन पे क्लिक करके टिक मार्क लगा के हर कोने पे एक एक बार टैप करके लास्ट में एक्समेट पे 2 बार टैप करके आप लोग को सिंपली फ्री स्पिन कर देना है। देख सकते हो यार थोड़ा सा क्लियर रह गया एक्समेट के, थोड़ा सा आगे जाके रुक गया ये, बट भाई लोग आप लोग ये ट्रिक अप्लाई करके देखो भाई लोग, आप लोगों को पक्का मतलब 9 से 19 से 29 डायमंड में आप लोग का निकलेगा ही निकलेगा। सो भाई लोग आज की वीडियो बस इतना ही, मैं मिलता हूँ अगले फ्रेश वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।